सर, हेडलाइंस त्रिपुरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार। सर, आज कांग्रेस का स्टेट कांग्रेस के एक रिप्रेजेंटेटिव टीम गोंडाछड़ा जाने के लिए रवाना हुए थे, तो इसके बारे में सर क्या डिटेल्स थोड़ा सा सर कृपया अगर बताएं कि उन लोगों के पास परमिशन था या नहीं था, थोड़ा सा एक डिटेल्स थोड़ा सा क्या वो लोग क्या था सर डिटेल्स। जी, हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि कांग्रेस की टीम गंडाचरा विजिट करना चाह रही है, तो हमारी साइड से भी इंफॉर्मेशन पास कर दिया गया था कि अभी 163 अभी भी गंडाचरा पीएस एरिया में लगा हुआ है जी सर। और उनके आने से क्या कहते हैं लोग का इकट्ठा होना मतलब क्राउडिंग स्टार्ट हो सकता है, जो कि वायलेशन ऑफ 163 होगा। तो हमने उन्हें मना कर दिया था हमारे साइड से कि अभी आप मत आइए क्योंकि यहाँ पे 163 धारा लागू है। उसके बाद भी वो लोग आए थे, उनके पास कोई परमिशन नहीं था। हमने बोला कि आप परमिशन लेके आइए, उनके पास कोई परमिशन नहीं था। अच्छा फिर सर। भी उनके साथ जो मीडिया टीम आई थी, हमने बोला कि आप 5 से नीचे जो भी मीडिया टीम है वो आके विजिट कर सकती है, अपना देख सकती है। और क्योंकि इनके आने से लोग इकट्ठा होने के चांसेस थे और यहाँ पे सिचुएशन क्वाइट नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा हम बोले थे 163 हटते ही आप लोग कभी भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा सर, तो सर अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है गोंडाछड़ा का, थोड़ा अगर बताएं सर। अभी एकदम क्वाइट नॉर्मल है, आप मीडिया में भी देख रहे हैं और काफी चैनल्स भी चल रहा है, इट्स क्वाइट नॉर्मल यहाँ पे। जी बस सर। हम ये चाह रहे हैं कि यही नॉर्मलिटी जल्दी और 100% वो हो जाए। और हमने मतलब किसी भी मीडिया और वो आप कोई भी आके आप विजिट कर सकते हैं। वो हम कुछ स्पेसिफिक जैसे 163 में कुछ लोग आने से यदि कुछ इकट्ठे हो सकते हैं या क्राउडेड हो सकता है जो कि 163 का उल्लंघन होगा, हम बस उन्हीं को बोल रहे हैं कि आप परमिशन लेके आइए, उनके पास परमिशन नहीं था इसलिए हमने उन्हें मना कर दी। अच्छा सर, अच्छा सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया हेडलाइंस त्रिपुरा से बात करने के लिए।